नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एसटीएफ से विशेष एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने के बाद बड़ी सफलता एसआईटी के हाथ लगी है। एसआईटी हरिद्वार द्वारा लेखपाल पटवारी मामले के 8वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम सोनू कुमार उर्फ खटकू पुत्र इलम चंद निवासी पाडली खुशालपुर थाना जनकपुर जिला सहारनपुर बताया जा रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश के छुटमलपुर बस अड्डे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी संकलन भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी शामिल है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो संजीव दुबे का मौसेरा भाई है, जिसके कहने पर उसने रिजॉर्ट में रुके अभ्यर्थियों की निगरानी की थी और इस काम के उसे 10,000 रुपए भी दिए गए थे। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि एसआईटी की एक टीम लोक सेवा आयोग भी पूछताछ करने के लिए गई थी, ताकि आयोग और उसके बाहर के लोग और इस संयंत्र में शामिल ना हो, इस पर भी हमारा मेन फोकस है। आयोग से भी कई बातें सामने आई हैं, जिन पर जांच की जा रही है और हमारा प्रयास है कि अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाए, ताकि उत्तराखंड में आने वाली किसी भी परीक्षा में इस तरह की लापरवाही ना हो। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जो है एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा यहाँ पर टीम द्वारा किया गया था, जिसका परीक्षण मेरे द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है, वो हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी से जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है, साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके, जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आ ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा। और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी वहाँ पर गए थे रात्रि में, वहाँ पहुँचे थे जो रिजॉर्ट था बिहारीगढ़ में, वहाँ की DVR फुटेज और सभी चीज़ हमने हासिल कर ली, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य। आपको बता दें कि लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में एसटीएफ के विशेष एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस पूरे मामले ने बहुत तूल पकड़ा है, इस पर राजनीति भी बखूबी हुई है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि बड़ा जो यहाँ पर सफलता है वो पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि पहले एसटीएफ को जांच सौंपी गई, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और 8वां आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर लेखपाल पटवारी की जो परीक्षा है वो हुई थी, जिनको लेकर पेपर लीक का मामला सामने आया था और एसटीएफ के द्वारा लगभग 7 आदमियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार जो आदमी किए गए हैं सभी के ऊपर एसटीएफ के द्वारा गैंगस्टर की यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और वहीं एसटीएफ के बाद इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एसआईटी को सौंपी गई थी, और एसआईटी का जो मुख्य एसएसपी हरिद्वार है उनके द्वारा एसआईटी का यहाँ पर गठन किया गया था। उसके बाद 8वां जो आरोपी है वो एसआईटी द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य जो तथ्य उनको भी जुटाया जा रहा है, और एसआईटी की जो टीमें हैं वो लगातार लेखपाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कितनी अलर्ट है, कहां कहां जांच चल रही है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां के जो एसएसपी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट है और आगे भी इस पूरे मामले में जांच चलती रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी जो एसएसपी है हरिद्वार के, उनके द्वारा एसआईटी की टीमों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है, और जो 8वां आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है उसके पास से जो भी तथ्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लगभग 31 आदमियों का संदिग्ध होने की जो लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जिसके बाद तमाम जो फुटेज है और तमाम जो उनकी जानकारी है वो सब इकट्ठा यहाँ पर हो गई है, और आयोग से इस बारे में आगे जो किस तरह की कार्रवाई होनी है उसके जो रिपोर्ट तलब कर जांच पड़ताल हो जाने के बाद आगे जो गिरफ्तारी है वो भी यहाँ पर की जाएगी। और एसएसपी हरिद्वार का साफ तौर पर कहना है जो भी आदमी इस तरह से लेखपाल पटवारी की परीक्षा लीक पेपर में जो भी अपराधी हैं उन सबको जल्द यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि आने वाले जो परीक्षाएं हैं वो प्रभावित ना हो और इस तरह की जो कंडीशन है वो दोबारा पैदा ना हो प्रदेश के अंदर। जी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर पटवारी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं और आखिरकार आज एक और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। 8वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी जो आरोपी हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है।
वहीं श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यहां श्रीनगर कोतवाली में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अपने घर से गहने चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर को गहनों के साथ एनआईटी के पास से गिरफ्तार किया। सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नोटियाल ने बताया कि उक्त युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवास में पेंटर का काम करता था। जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर और उसका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर घर पहुंची तो उन्हें वहां गहने चोरी होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इससे पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। बता दें कि बीते अक्टूबर माह में गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रोफेसर के घर से 8,000 का सामान चोरी हुआ था, जिसके पीछे भी इसी मजदूर का हाथ था। अब श्रीनगर पुलिस अपराधी के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है। वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही साथ उसके पास से 4,00,000 के गहने भी बरामद हुए हैं। कल एक मामला आया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल श्री गुंजन पाठक, ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है उसमें इनका सरकारी आवास, इनकी मिसेज जो है श्रीमती बबीता पाटनी है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साहब इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं, तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे अभियोग पंजीत करने करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4,50,000 के आसपास का बताया था इन्होंने, तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है, ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड छुटमलपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जनवरी महीने की शुरुआत में ही सोने के दामों में उछाल शुरू हो गया है। साल के दूसरे हफ्ते तक सोने के भाव ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। इस समय सोने का भाव 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी तक सोने का भाव 63,000 रुपए को पार कर सकता है। शादियों के सीजन में सोने के आभूषणों में आई तेजी से सार्फा बाजार सूने पड़ गए हैं। सोने के भाव में आई तेजी के कारण ग्राहकों की मंदी सार्फा बाजार पर भारी पड़ रही है। सार्फा बाजार में ग्राहकों की कमी से सार्फा व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं, जबकि इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है। मंगलौर के सार्फा बाजार में आसपास के क्षेत्र के साथ ही दूर दराज से लोग आभूषण की खरीदारी करने आते हैं। अब सोने के भाव में तेजी आने के कारण मंगलौर का सार्फा बाजार पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। हालांकि सोने के भाव को लेकर विशेषज्ञों ने पहले से ही सोने के भाव में उछाल की आशंका जताई थी। विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने मंदी की आशंका के बीच 2023 में निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ाने की संभावना जताई थी, जिससे सोने के भाव में भारी उछाल आएगा। नए साल के पहले हफ्ते में ही सोने के दामों में उछाल शुरू हो गया और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक सोने के दामों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आभूषण खरीदने वाले ग्राहक असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जो है आसमान छू रहे हैं, यहाँ तक कि गृहस्थी चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बजट बिगड़ा हुआ है। सोने की बात करें तो अभी हमारे घर में भी शादी है, बहन की शादी है, तो उसके लिए मैं भी सोने के भाव पूछने के लिए गया था, तो अब से कुछ दिनों पहले 48,000 रुपये भाव बताया था मुझे, लेकिन अब 2 दिन बाद मुझे पता चला कि 53,000 है और आज 57 भी क्रॉस कर चुका है। अब शादियों का सीजन भी सर पे है, बहन की शादी भी है, अब ऐसे हम सोच रहे हैं कि किस तरह इसका मैनेज करें, किस तरह ना, क्योंकि जो विक्रेता है सुनार जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अभी लगातार भाव और बढ़ेंगे, तो ऐसे में हम असमंज की स्थिति में है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जी क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें, पिछले 15 दिनों में सोने पे लगभग 4,000 रुपये तोला बढ़ चुके हैं और इसका ये इफेक्ट हुआ हमारी मार्केट पे कि पहले एक तो ग्राहक नहीं था और अब जो है, जबकि ये जो है शादियों का सीज़न है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राहक देखने को नहीं मिल रहा है। और जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि सोना अनुमानित है कि इस महीने के अंत तक 60,000 रुपये तोला जा सकता है। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि हम लोग ग्राहकों को भी तरस रहे हैं। अब इसके 2-3 रीज़न हैं जो सोना बढ़ रहा है। पहला रीज़न तो यही है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि इसके अंदर डिमांड जो है वो कई कई सेक्टर से डिमांड आ रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका पहला रीज़न तो यही है कि शादी का ये सीज़न है, शादियों में हमेशा सोने की डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरा, ये एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा और
लाइन पर जुड़ गए हैं अखिल। मंगलौर में बाजार सूने पड़े हुए हैं। सार्फा बाजार में ग्राहकों की कमी है, जिसकी वजह से व्यापारी तो परेशान है ही, साथ ही साथ ग्राहक भी परेशान है, क्योंकि सोने का भाव जो है वो सातवें आसमान पर है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि महंगाई तो हर ओर हो रही है, लेकिन जो सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड की चमक भी फीकी हो गई है, क्योंकि अभी जैसे ही 2023 साल शुरू हुआ था तो सोने के जो भाव थे वो लगभग 53,000 जो तोला था इसमें जो गोल्ड था, लेकिन अभी 8 दिन के अंदर इसके भाव बढ़कर 58,000 प्रति तोला हो गए हैं। और जो विशेषज्ञों की माने तो आने वाले जो समय में जो इसके भाव करीब 60,000 प्रति तोला से ऊपर जाएंगे, इससे जो है सरफ बाजार सोने हो गए। और जो सोने का कारोबार करने वाले व्यापारियों उनमें मतलब उनकी दुकानें खाली हैं, क्योंकि ग्राहक उनके पास नहीं आ रहे, जबकि हाल की शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। व्यापारियों को डर सता रहा है कि सोना खरीदने आने वाले जो ग्राहक हैं उन पर नहीं आ पा रहे हैं। और जहाँ दूसरी ओर जो स्थानीय निवासी जिनका शादी वगैरह प्रोग्राम है उनसे भी हमारी बात, उनका भी कहना है कि लगातार सोने के भाव बढ़ रहे हैं, उनसे जेब उनकी काफी ढीली हो रही है। और जो मैं आपको एक बात वो बताना चाहूंगा, मंगलौर की बात करें तो मंगलौर क्षेत्र के आसपास करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो मंगलौर से ही गोल्ड की खरीदारी करते हैं, लेकिन गोल्ड का जो भाव बढ़ने से बाजार सोने पड़े हुए। ठीक है अंकल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में जो रौनक है वो भी कम हो गई है, लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। शादियों का सीजन है, उसके बावजूद भी लोग सोच रहे हैं कि वो सोना खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जनवरी के अंत में सोने के भाव 60,000 को भी पार कर सकते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों से ही शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। ऐसे में सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। वहीं जोशीमठ के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी परियोजनाओं के कारण पड़ रही दरारों पर भी शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। जरूरत है कि विकास परियोजनाओं का आंकलन किया जाए, उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र को कच्चे शराब का गढ़ माना जाता है। कोतवाली क्षेत्र में कच्चे शराब माफिया फल फूल रहे हैं। पुलिस की छोटी मोटी कार्रवाई का इन शराब माफियाओं पर कोई बड़ा असर होते दिखाई नहीं दे रहा। कच्चे शराब माफियाओं के बढ़ते हौसलों को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने डेरा कलाल में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया, जहां पुलिस को घने जंगलों के बीच कच्ची शराब बनाने के अड्डे मिले, जहां से हजारों लीटर लहन बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस के हाथ शराब माफिया नहीं लग सके, वहीं भागने में वो कामयाब रहे। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं के खिलाफ गुंडा एक्ट के कार्रवाई भी की है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किसी भी तरीके के नशा तस्कर पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को अमल में लाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन की मदद से जंगलों में छुपाकर रखे गए 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया है। और इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहने वाले 2 अभियुक्तों संतरपाल और मोनू निवासी दाबकी कला लक्सर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लोग भी इस तरह के अवैध शराब के निर्माण विक्रय या व्यापार की कार्रवाई में संलिप्त रहेंगे उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट चेतावनी है, या तो इस तरह के कार्यों से विरत रहें अन्यथा विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। शराब का गढ़ माना जाता है, इसको लेकर पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कच्ची शराब माफिया फल फूल रहे हैं और पुलिस की छोटी मोटी कार्रवाई का इन पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार हम देख रहे हैं कि लक्सर में
नशा मुक्त लक्सर को करने के लिए बहुत कोशिश पुलिस कर रही है, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो शराब माफिया हैं उनके हौसले बेहद बुलंद है। लेकिन जब यहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी गई तो जंगलों में भारी मात्रा से लहर पुलिस को बरामद किया है, आगे क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? हम देखिए बिल्कुल काजुल बताना चाहूंगा कि जो लक्सर क्षेत्र है इसमें अवैध कच्ची शराब का गढ़ माना जाता है कि जो हमारे यहाँ अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव थे उनमें भी यहाँ काफी लोगों की डेथ हो चुकी थी कच्ची शराब के पीने थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के हैं उनका दिशा निर्देश को जो उनका लागू किया है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उसे के तहत लक्सर पुलिस द्वारा भी लगातार जो अवैध कच्ची शराब है या कोई भी नशा। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन हम देख रहे हैं कि लक्सर में पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन शराब माफियाओं के हौसले उतने ही बुलंद हैं, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि दो माफियाओं के लिए यहां पर जो गुंडा एक्ट है उसकी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ दिन तो शांति रहती है लेकिन उसके बावजूद फिर इस तरह की भट्टियां हमें जंगलों में नजर आती है। हाँ देखिए बिल्कुल काजल बताना चाहूंगा कि जो हमारा लक्सर तहसील क्षेत्र है ये काफी इसमें जंगल है और जंगल का ही लाभ जो शराब माफिया उसका उठाते हैं, लेकिन पुलिस ने भी अब जिस तरह से ये शराब माफिया अवैध कारोबार कर रहे थे उसी तरह अब पुलिस ने भी ड्रोन की मदद लेकर जो तीसरी आंख है उसका प्रयोग कर रही है और लगातार हर जगह चाबी देकर जितने भी जो आरोपी जो शराब माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। ठीक है प्रवीण, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लक्सर का ये पूरा मामला है जहां पर कच्ची शराब बनाने वालों की अब खैर नहीं है क्योंकि पुलिस लगातार ड्रोन के माध्यम से निगरानी बना रही है, ऐसे ऐसे अड्डों को चिन्हित कर रही है जो जंगलों के बीच है और वहां जाकर कार्रवाई कर रही है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और दरक रहे घरों के खतरे के बीच एशिया का सबसे लंबा रोपवे अस्तित्व पर संकट खड़े हो गए हैं। औली रोपवे के मेन स्टेशन की दीवारों और स्टेशन कंपाउंड की जमीनें भी दरक गई हैं। यहां जमीन में बड़ी दरारें आ गई हैं। रोपवे के मेन स्टेशन कंपाउंड भी जमीन दरकने से प्रभावित हुए हैं। जोशीमठ के मुख्य आकर्षण में से एक है एशिया का सबसे लंबा औली रोपवे। अब तक रोपवे स्टेशन और टावर के आसपास हमने आपको जमीन फटने और मकान प्रभावित होने की तस्वीरें दिखाई। एहतियातन जोशीमठ औली रोपवे को 5 जनवरी से ही बंद कर दिया गया था लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे इस ऐतिहासिक रोपवे के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। स्टेशन बिल्डिंग की दीवारों में दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और स्टेशन कंपाउंड की जमीन भी फट रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह ऐतिहासिक रोपवे अब इतिहास में दर्ज होने वाला है? वहीं जोशीमठ में हुए भूधसाव के बीच लोगों के घरों में आई दरारों ने खतरे को बढ़ाने के साथ भविष्य की खुशियों के उत्सव पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जोशीमठ भूधसाव के खतरे के बाद कई लोगों को प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। घर छोड़ने वालों में से कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ शादी समारोह पूजा समेत अन्य पारिवारिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं लेकिन दुर्भाग्य ही कहें कि इन घरों में प्रशासन के लाल खतरे के निशान लगाने के बाद ये लोग अपने घरों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के सिंहधार में बिष्ट परिवार के 2 मंजिला घर की बाहर की दीवारों को रंग रोगन से सजाया गया लेकिन अंदर ही गहरी दरारें उभर आई। हफ्ते भर पहले ही सुंदर रंगों से सजाए गए घर में खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। शादी की तैयारियों में जुटा दूल्हा और उसका परिवार घर छोड़ने के लिए सामान समेटने लगा है। अब शादी हो पाएगी भी या नहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि जोशीमठ में लोग बेहद परेशान हैं और जो खुशियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत दूर जोशीमठ में नजर आ रही है। जोशीमठ में भूधसाव की दरारें वाले भवनों की संख्या बढ़कर 850 हो गई है जिनमें से 165 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। अभी तक 237 परिवारों के 800 सदस्यों को अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वहीं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को जोशीमठ में कुछ क्षतिग्रस्त इमारतों पर क्रैक मीटर लगाए हैं। ये क्रैक मीटर अधिकारियों को दरारों में विस्थापन का अंदाजा देंगे। वीडियो संस्थान द्वारा 3 भूकंपीय स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं जिनमें से आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी सरकार द्वारा भूधसाव में प्रभावित लोगों के लिए पूर्व निर्मित घरों के निर्माण के लिए प्रस्तावित 5 स्थानों में से 4 को मंजूरी दी है। ये जानकारी आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि मैंने जिला मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की और हम 1, 2 और 3 बेडरूम सेट के मॉडल पूर्व निर्मित ढांचे का निर्माण करेंगे और इससे लोगों को दिखाएंगे। अगर लोगों को ये ठीक लगता है तो वे इन जगहों पर रहना शुरू कर सकते हैं। हम पहले एक मॉडल तैयार करेंगे और संतुष्ट होने पर हम मांग के आधार पर और निर्माण करेंगे।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।